हेलो एवरीवन, आज मैं आपको हमारे यहाँ के एक खास स्टूडेंट से मिलाने के लिए यहाँ आया हूँ, जिनका नाम है विवेक कुमार मल। विवेक ने नीट 2024 के परीक्षा में 690 अंक पाए। इनकी रैंक है 3296। जनरल कैटेगरी की रैंक में इनको ये रैंक मिली है। ठीक है, आइए कुछ बात करते हैं विवेक से। विवेक, हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक, मैं महाराजगंज जिले से रहने वाला हूँ। विवेक महाराजगंज के रहने वाले हैं। किस बोर्ड से आपने 12वीं की परीक्षा पास की? सर, यूपी बोर्ड से। यूपी बोर्ड से। देखिए, यूपी बोर्ड के बच्चे काफ़ी डरते हैं कभी कभी कि कैसे हो पाएगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो विवेक एक उदाहरण है, जिन्होंने यूपी बोर्ड से 82% मार्क्स पाए और नीट की परीक्षा को बहुत ही सफलतापूर्वक, बहुत ही अच्छे अंकों से इन्होंने रैंक पाई। ठीक है विवेक, कौन कौन है आपके घर पे? मम्मी पापा, हम और बड़े भैया हमारे। अच्छा, पापा क्या करते हैं आपके? फार्मर है। फार्मर है। देखिए, एक फार्मर पिता का पुत्र आज डॉक्टर बन गया। ठीक है, कितने गर्व की बात है। तो विवेक, ये तैयारी करने का ख्याल, डॉक्टर बनने का ख्याल कैसे आया? बचपन से सोचा था? नहीं सर, बचपन से तो नहीं सोचा था। जैसे हमने बायो लिया 11th में, तभी से हल्का फुल्का, पहले तो हमने सोचा था तो भी फार्मा कर लेंगे, फार्मेसी और हो जाएगा। फिर एक सर थे, बायो पढ़ा देते उस स्कूल में, उनका पढ़ाया वो बहुत अच्छे समझ में आने लगा। अच्छा। तो लग रहा कि हम भी कर सकते हैं डॉक्टर। मतलब आपकी सफलता में आपके शिक्षक का भी हाथ? हाँ है। सर, बहुत बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो फिर कानपुर आप आए। हाँ सर। तो कानपुर में कोचिंग का चयन कैसे किया आपने? सर, लड़कों से बात हुआ, जो बड़े बड़े सीनियर हो गए, जो सिलेक्ट हो चुके हैं, बताया सर के बारे में, उन्होंने आपको सजेस्ट किया? रोहित सर के बारे में, फिजिक्स पढ़ाते बढ़िया। कैसे तैयारी की आपने, कितने घंटे देते थे अपनी सेल्फ स्टडी को आप? सर, जो क्लास से चलता था, क्लास करने के बाद से मैं घर पे जाता था, 4-5 घंटे सेल्फ स्टडी। 4-5 घंटे पढ़ते थे आप लोग? जो बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, उनको ये जो टिप्स बता रहे हैं बहुत ही ध्यान से सुननी चाहिए कि हर बच्चे को सेल्फ स्टडी में 5 से 6 घंटे देने ही देने हैं। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आपका कोचिंग करना, कुछ भी करना व्यर्थ है, क्योंकि जब तक आप अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, अब जानते हैं विवेक, और क्या क्या, मतलब किस तरह से आप सब्जेक्ट में पकड़ बनाने के लिए क्या क्या आप करते थे, एक्स्ट्रा मेहनत क्या करते थे? सर ने जो बताया उसको ब्लाइंडली होकर फॉलो करना है, अपना कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सर ने जो बोल दिया कि इतना करना है, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो करना है, चाहे जितना टाइम लग जाए। करने के बाद ही क्लास जाना है, फिर सारे जो पढ़ा रहे हैं सर उसको अच्छे समझना है, फिर आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मैंने तो क्या है कि सर ने जो पढ़ाया उसको पढ़ा और पीवाई को लगाया, जो बुकलेट मिलता था यहाँ न्यूज़पीड का उसको लगाया, नोट्स पे आपने फोकस किया। रोहित सर का नोट्स बहुत अच्छा है। क्लासेस का क्या था, रेगुलरली करते थे या बीच बीच में? सर रेगुलर रहता था, रेगुलर क्लास करते थे। बिल्कुल, रेगुलर क्लास करने से कोई फायदा होता है? बहुत सर। क्या फायदा होता है? ड्रॉ, क्या बोलते हैं, बैकलॉग नहीं क्रिएट होता सर, अभी चीज़ें कंसिस्टेंसी चलती रहती है। अच्छा, टेस्ट सीरीज कुछ हेल्पफुल होती है क्या तैयारी में? बहुत कंपलसरी है टेस्ट सीरीज, उसके बिना तो अधूरा है, वहीं से पता चलता हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितना और तैयारी करना है। तो कुछ आप जो अब बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए कुछ टिप्स दे दीजिए कि कैसे वो अपने पूरी पढ़ाई को मैनेज करें, क्या क्या करें जिससे उनको उनके अंक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें। रेगुलर क्लास करें, क्लास मिस ना करें, जो टेस्ट होते हैं वीकली टेस्ट होते हैं उसको प्रॉपर करें, उसको एनालाइज करें टेस्ट को, जो गलतियां हो रही इस टेस्ट में अगले टेस्ट में गलती ना हो, कोशिश करें। टेस्ट के जरिए वो अपने कोर्स को बार बार रिवाइज कर सकते हैं, एकदम है ना, जिससे साल भर उनका सिलेबस उनके माइंड में बना रहे, मल्टीपल टाइम बना रहे। चलिए, बहुत अच्छी टिप्स दी विवेक ने। आगे फिर और भी लोगों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे, विवेक भी आप लोगों से मिलेंगे और अपने टिप्स बताएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।